खूंटी जिले के हुटार में सारदा कृषक खदान पर अनुमंडल पदाधिकारी हेमंत सती ने छापेमारी अभियान चलाया। डुगडुड़िया गांव के प्लान नंबर 896 में चल रहे कृषक खदान को सील कर दिया। अभियान के क्रम में एसडीओ ने पाया कि शारदा कृषक खदान के लिखित दस्तावेज में अंकित भूमि से ज्यादा भूमि पर खनन का कार्य किया जा रहा है। साथ ही लीज एग्रीमेंट दस्तावेज के मुताबिक पूरे इलाके में बाउंड्री का कार्य भी लंबित है। वहीं खनन कार्य में कुछ इलाका जीएम लैंड का भी आता है। जीएम लैंड में शारदा कृषक खदान का अतिक्रमण गंभीर मामला है। एससीओ ने जांच में पाया कि खदान परिसर में लगा स्प्रिंकल भी बंद है। सरकारी गाइडलाइन के नियम कानूनों के अनुबंध के तहत कोई भी कंपनी लीज की अनुमति सशर्त लेती है, लेकिन शारदा कृषक खदान ने लीज के कई नियमों का उल्लंघन किया है। जिला खनन पदाधिकारी शारदा खनन लीज के अनुबंध दस्तावेजों का सत्यापन करेगी। तब तक शारदा कृषक खदान सील बंद रहेगा। वहीं हुटार के अन्य इलाकों में सरकारी नियमों की अनदेखी कर चलाए जा रहे खदानों को भी जिला प्रशासन ने सील किया है। एक अन्य खदान में जांच के क्रम में पाया गया कि कंपनी के द्वारा संधारित स्टॉक पंजी से ज्यादा पत्थर चिप्स स्टॉक किया गया था। एसडीओ ने बताया कि संबंधित मामले में दस्तावेजों की जांच के लिए खनन पदाधिकारी और जिले के उपायुक्त को अग्रेतर कार्रवाई के लिए आवश्यक कागजात भेजे जाएंगे। जांच के क्रम में कई सारे बिंदु सामने आए। पहला जो चीज था वो यही सामने आया कि इस क्रशर का जो भी इनको लीज मिला हुआ है, जो भी इनके रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसका सीमांकन नहीं किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप इन्होंने जितना इनको मिला हुआ था उससे अधिक स्थान पर इन्होंने घेरा हुआ है। कुछ एक दो क्रशर इनके जीएम लैंड में भी लगे हुए हैं, तो जो कि एक गंभीर इनक्रोचमेंट एक्ट के अंतर्गत आता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इनके पास जो अन्य सिस्टम हैं, जैसे स्प्रिंकल्स वाला सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा है। इसके अतिरिक्त इन्होंने सड़क का निर्माण नहीं किया है, जो कि क्लॉज के अनुसार इनको सड़क का निर्माण किया जाना है। चार दीवारी बनानी है, वो नहीं बनाई गई है, तो इसी क्रम में इनका क्रशर्स को हमने सील कर दिया है। दो गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? हाँ? नहीं सुना, आइए समझाते हैं। देखिए, दो गड्ढा बनाइए, पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा, और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय दो गड्ढों वाला ही बनवाना, स्वच्छता को आदत बनाना है। Wanna see something hot? क्या तुम्हारे ठुमके में है मेरे वाला दम? जोश पर आए, अपना ठुमका लगा दुनिया हिला चैलेंज अपलोड करें और हर हफ्ते जीतें 25 लाख तक के इनाम।